आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हक पाकिस्तान के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद अरफात आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं हक पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर कायद के इलाके पीपल स्क्वायर में और मेरे साथ मौजूद हैं राव साहब, जो कि लोगों को बिठाते हैं अपने सामने और करते हैं उनकी हूबहू लाइव स्केचिंग। किस तरीके से इन्होंने लाइव स्केचिंग का आइडिया आया और किस तरीके से इन्होंने पीपल स्क्वायर के अंदर एक स्टॉल लगाया जाए और लोगों को यहाँ पे बिठा के लाइव स्केचिंग की जाए, क्यों इन्होंने इंटरनेशनल सतह पर इसको अप्लाई नहीं किया और क्या हमारी हुकूमत में भी कुछ काहली दिखाई इस आर्ट को इंटरनेशनल सतह पे पहुंचाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे सर आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रऊफ भाई, ये बताएं कि पहले तो एक स्टॉल, फिर लोगों को जमा करना कि मैं स्केच कर रहा हूँ, पब्लिसिटी करना, कितना मुश्किल होता है ये काम? ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि इधर लोग तो खुद जमा होते हैं, पूछते हैं, वो तो कोई मसला नहीं, लेकिन पैसे देने के मामले में डिफ़िकल्टी है कि वो जो आर्टिस्ट ने, जैसे मेरी अभी 14 ईयर एज हो गई और मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ और उसमें मेरा 30 साल का तकरीबन एक्सपीरियंस है, तो उस लिहाज से लोग एक्सपीरियंस को नहीं कंसीडर करते, वो उस वक्त के 500 या 1000 रुपये को देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा है, ये प्रॉब्लम है। सही रऊफ, ये बताएं कि 500-1000 रुपये में एक स्केच मेरे हिसाब से तो बहुत ही सस्ता स्केच हो गया, क्योंकि इसकी जो इंटरनेशनल वर्थ है वो कुछ और ही है, क्यों एक शॉप की तरफ नहीं गए? मैंने अक्सर और बेशतर जो स्केच आर्टिस्ट हैं वो रोड पर या फिर इस तरीके से स्टॉल लगाकर ही उनको देखा है, क्यों शॉप की तरफ क्यों मूव नहीं करते? वो हमारे मुल्क में आपको पता है कि आर्ट सारा ही हर लिहाज से, अगर गैलरीज में जाएं, मैं पोर्ट्रेट बनाता हूँ और बहुत अच्छे मेरे पोर्ट्रेट हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और पेंटिंग्स भी बनाता हूँ, वो बिकती नहीं है, गैलरीज वाले बहुत लिटल पैसों में लेते हैं और ख़ुद अच्छे पैसों में बेच लेते हैं, तो फिर ये यहाँ थोड़ी सी मसला ना जेब खर्च बन जाता है, तो ये मैं कर लेता हूँ शाम के वक्त, हफ्ता त्वार। डिफ़िकल्टी है इस हमारे मुल्क में और ये मेरा ख्वाब है। एम्स्टर्डम हॉलैंड में एक जगह है जहाँ स्केच किया जाता है और उधर मैंने रब्ता भी किया है वो मीडिया के थ्रू, जो सोशल मीडिया तो उसके थ्रू किया है, तो उधर अगर जाएँ और उधर लोगों से, वहाँ के लोगों से कनेक्ट हुआ ना, तो वो बहुत अच्छे पैसे लेते हैं और वो अगर पहुँचे तो लेकिन हमारे मुल्क में तो आपको पता ही है कि ये मसला है। सही रऊफ, ये बताएं कि हमारे मुल्क ने इस आर्ट को इतना मतलब हाई लेवल क्यों नहीं दिया? एक पब्लिक के लिए ना, एक जो एजुकेशन की कमी है हमारे चारों गिर्द, इसकी वजह से, और असल जो उसका आर्ट का ना थीम हम समझे नहीं और हम हर एक चीज़ में पीछे हैं। आर्ट सबसे पहले था, जब कोई लैंग्वेज नहीं थी, कोई ज़बान नहीं थी, तो इंसान की, अगर इंसान लिखना चाह रहा था ना दो घोड़े, तो वो दो घोड़े ड्राइंग करता था। सही। हाँ, सबसे पहले इंसान की लैंग्वेज, ये ऐसी लैंग्वेज है आपको पता है पोर्ट्रेट की, कि वो चाइना हो, जापान हो, कोई किसी जगह से हो, तो वो बंदा पेंटिंग हर एक की समझ में एक तरह थी आपको पता है, ठीक है, तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। पेंटिंग हर एक की सांझी, पूरी इंसानियत की जुबान है, आर्ट से ही हर एक चीज़ है, आर्ट है, कोई पेंटिंग आपका कैमरा ही है, आपका ये माइक है, जब तो ड्राइंग नहीं हुआ तो नया माइक नए स्टाइल का कैसे बन सकता है, ये पेन है, घड़ी है, कुछ है, तो पहले ड्राइंग होगी तो फिर ही चीज़ तरक्की होगी। चेयर है, ये नई चेयर बनाने के लिए, नया मॉडल बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ड्राइंग है। अंग्रेज़ों ने, वो माइकल एंजेलो ने 2000 साल पहले पेंटिंग की, लियोनार्डो डा विंची की ये मोनालिसा है, जो भी उन्होंने ये आर्ट के लिहाज से ना, वो जो इल्म का सबसे बड़ा उस्ताद है सुकरात, और वो अपने पेरेंट्स से क्वेश्चन करता है, उसका वो स्टैचू बनाता था उसका फादर, तो वो बना कहता है कि आप पापा कैसे बना लेते हैं, तो कहता है मैं पत्थर को देखता हूँ, पत्थर में शेर तरह मैं देखता हूँ, शेर अगर बनाना है ना लाइन, तो मैं उसको देखता हूँ, तो फिर मैं पहले मैं उसमें लाइन देख लेता हूँ पत्थर में, फिर मैं उसके तराश के वो तराश मुजस्मा बना लेता हूँ। कि मेन आर्ट जिन्होंने लिया उन्होंने बहुत आगे चले गए, अभी भी हम अगर आर्ट में ये तरक्की नहीं करेंगे तो हम चीज़ें नहीं बना सकेंगे, हम पीछे के पीछे ही रह जाएंगे। इसमें गवर्नमेंट को भी चाहिए कि आर्ट को, फ़नून अल्तीफ़ा को तरक्की देने। रऊफ, मुझे बताएं कि स्टार्ट कैसे लिया, पहला स्केच किस उम्र में बनाया? स्केच मैंने जब ये ना 6th क्लास में, मैं पंजाब से हूँ, तो 6th क्लास से ही ये ड्राइंग शुरू होती है, 8th क्लास तक, 9th-10th में नहीं होती, तो वो उधर मेरी सबसे बेस्ट ड्राइंग थी, तो वहाँ भी कंपटीशन थे, वरना अदरवाइज मैंने ना एक कैलीग्राफी तौर पे कैद आज़म लिखा था, तो कोई कंपटीशन हुआ था 4th क्लास में, तो वो दोस्तों में मैं जीत गया था। सही।
मैं जीत गया था। तो और मुझे उस वक्त से पता चला कि मैं थोड़ा अलग हूँ, ठीक है, और मैंने फिर अपने इसको पॉलिश किया। और फिर मारिया वास्ती थी ड्रामे में, तो उनका मैंने ना अपना स्केच 100% एक दफ़ा किया था, और फिर मुझे और पता चल गया कि मैं ड्राइंग कर सकता हूँ। नॉवल से करता था, जो नॉवल्स में स्केच आते थे, और मैं तकरीबन 13 ईयर का मेरा एक्सपीरियंस है। कितना मुश्किल लगता है एक स्केच बनाना? मैंने जो अभी तक देखा है ना, मुश्किल नहीं लगता, मज़ा आता है। खुद ही पहले पहले कुछ नहीं पता होता कि बनेगा या नहीं, लेकिन जब वो चलता है ना, जैसे कहते हैं रास्ते दूर से दुश्वार नज़र आते हैं, कदम उठते हैं तो मंजिल की गिरा खुलती है। तो ये बनाने में कितना वक्त लगता है, मैं बॉल पेन से स्केच करता हूँ। मैंने अभी तक बॉल पेन से किसी को करते हुए मैंने नहीं देखा, होगा यूट्यूब पे अगर सर्च करे या गूगल पे तो होगे जो पेन से स्केच करते हैं, मैं आपको वो शेयर करूँगा अपने। तो स्केच जो बॉल पेन से है, और मेरा आपने प्लान पूछा कि आपका फ्यूचर में प्लान क्या है, उसका ये है कि मैं समझता हूँ कि 10 मिनट में भी मैंने स्केच किया, 15 मिनट में भी किया स्टॉप वॉच लगा के। अच्छा, तो वो मिल गया, मसलन लाइव स्केच में 20 से 1800 जितना भी मिले तो लाइव स्केच एक्सेप्टेड होता है। तो मेरा ये प्लान है कि मैं गिन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड में 50 लोगों को बैठाऊँ और उनका पर 5 मिनट में मैं स्केच करूँ और 50 लोगों का हो जाऊँ, और फिर दुनिया को बोले कि कोई दुनिया से आर्टिस्ट आए और वो करे 50 लोगों का। ये मेरा ख्वाब है, ठीक है, ये मेरा ख्वाब है। तो ये कि वो आए लोग और 50 लोगों का 5 मिनट के लिहाज से स्केच करें, ठीक है, और मेरी आप दुआ कीजिएगा कि जीत जाओ। बिल्कुल, हमारी तो दुआ ही है कि आप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में पाकिस्तान का नाम रोशन करें। रऊफ, मुझे बताएं कि एक स्केच बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर वो ना भी हों तो स्केच हो जाएगा? स्केच बनाने के लिए ना, मुझे, मैं बॉल पेन से करता हूँ किसी चीज़ पे। आज मैं एक अपना कैनवास बनाने के लिए मैं एक कारपेंटर के पास गया और लकड़ी के ऊपर बॉल पेन से मैंने स्केच, वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और ये चारकोल है, चारकोल से मैं ये करता हूँ इधर बैठ के, और लोगों को, और चारकोल से भी करता हूँ, और वो जो 2B 3B पेन है वो बाकायदा तौर पर कलर पेंसिल भी करता हूँ, और स्कॉलर शीट पे सॉरी कैनवास पे पोर्ट्रेट बनाता हूँ ऑयल से, और वाटर कलर नहीं है इन दिनों मैं कर रहा। तो दूसरा चार किस्म के एक बॉल से, एक लेड से, और एक लेड पेंसिल से स्कॉलर शीट पे, और एक ऑयल से, ठीक है, इस तरह के मैं पोर्ट्रेट आर्टिस्ट हूँ। जो लोग स्केच की तरफ आना चाहते हैं, मुझे पर्सनली स्केच बहुत पसंद है, मेरा भी मतलब बहुत ज़्यादा लगाव है पेंटिंग में, कलर्स में, तो अगर मैं स्टार्ट करना चाहूँ तो मैं किन बिगनर्स के लिए क्या है? वो जिसने भी लाइव स्केच की तरफ आना है, वो जो भी उसके चीज़ घर में ग्लास है, कुछ है, प्लेट है, उसको वह ड्राइंग करे, डरे नहीं। तो ड्राइंग कर दे, पहले गलत होगा तो सही होगा, तो इसमें कोई मसला नहीं है। और वो ना मेरी तरह बॉल पेन से ना शुरू करें, क्योंकि गलत हो जाएगा। तो वो ले ले लेड पेंसिल, ले ले 2B की, और उससे करें। और इसमें सारी शेड की कहानी है, सही है, डार्क से लाइट की तरफ शेड है, और शेड से स्केच बनना है। रऊफ, वो टूल्स मैं देखना चाहूँगा और अपने नाज़रीन को दिखाना चाहूँगा कि वो कौन से टूल्स हैं, वो मैजिक स्टिक्स कौन सी हैं जिससे आप बिल्कुल प्रॉपर एक स्केच कर लेते हैं। स्केच मैं जैसा कि आपको बता रहा था, चारकोल है ये, इधर तो चारकोल से ही कर रहे हैं, ठीक है। तो चारकोल एक काइंड है पेंसिल्स, लेड पेंसिल्स की, और उसके अलावा चारकोल के अलावा जो स्कॉलर शीट पे किया जाता है ना स्केच, जो बाकायदा स्केच बनता है, वो 2B से शुरू होके 9B तक लेड पेंसिल जाती है, ठीक है, वो उससे होता है। अच्छा, शेडिंग के लिए क्या चीज़ें यूज़ होती हैं? शेडिंग के लिए इसी की टेक्निक्स है, ठीक है, शेडिंग के लिए डार्क से लाइट की तरफ जाना है, लाइट से डार्क की तरफ, सही है। तो नाज़रीन, ये थे रऊफ, जो के ख्वाहिश रखते हैं कि वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए और पाकिस्तान का नाम रोशन करें, लेकिन दर हकीकत और दर हालात के पेश नज़र ये बैठते हैं हफ्ता इतवार पीपल स्क्वायर पे अपना स्टॉल लगा के, और इंतज़ार करते हैं उन बंदों का जो स्केच में दिलचस्पी रखते हों, ताकि रऊफ अपनी जेब में कुछ ना कुछ लेके जाए अपने बच्चों के लिए। इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त, देखते रहिए हक पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।